आयन आपस में टच हो जाएंगे. एंथेरिडियम प्रॉपर, एंथेरिडियम प्रॉपर एंड ट्राइकोडायन, ये टच हो जाएंगे. ठीक है, सेकेंड स्टेप में क्या होगा कि बीच में से बॉल डिजॉल्व होगी और एंथेरिडियम के केंद्रक किसमें आ जाएंगे, सारे ट्राइकोडायन के अंदर. ऑल न्यूक्लियस किसके, एंथेरिडियम के. पासेस टू ट्राइकोडायन, ट्राइकोडायन में आ गए. समझ गए? ओके, अब देखिए क्या होगा इसके बाद. हम सिर्फ ट्राइकोडायन की बात कर रहे हैं. तीसरा यहां से एक चीज और है, ये जो दूसरे हाइफी है ना इधर अगल बगल में, ये सारे इसके चारों तरफ से इसको ढकना शुरू कर देंगे. ये सारे के सारे हाइफी क्या करेंगे, चारों तरफ से ये घेरा बनाना शुरू कर देंगे इसके चारों तरफ. इसके चारों तरफ इसका घेरा बन रहा है स्टराइल हाइफीज का. स्टराइल हाइफीज कौन से, जो एस्कोगोनियम एंथेरिडियम के निर्माण में भाग नहीं ले रहे, वो क्या है, स्टराइल हाइफी. ये स्टराइल हाइफी चारों तरफ से इन दोनों को ऐसे घेरना शुरू कर देते हैं, तो एक बॉल नुमा संरचना बननी शुरू हो जाती है. बॉल के अंदर केवल क्या है, एंथेरिडियम और एस्कोगोनियम, और वो ऊपर से सारा एक घेरा बना रहे हैं. ये जो घेरा बन रहा है ये स्टराइल हाइफी, लिख लो स्टराइल हाइफी रोज, वो करके क्या बनाते हैं, एक घेरा जिसको बोलते हैं पैरिडियम. एक घेरा बन रहा है जिसको बोल रहे हैं हम पैरिडियम. ठीक है, अब इसके अंदर क्या होता है नेक्स्ट देखो. ये पूरा घेरा बन रहा है, ये इसके अंदर क्या आ गए, सारे केंद्र. ये सारा मल्टी न्यूक्लियेट था, ये सिंगल था, और ये देखिए इसके केंद्र किसमें आ गए, ट्राइकोडायन में. हर एक केंद्र अपना जोड़ा बना लेता है, एक प्लस एक नेगेटिव, ये जोड़े भी यहाँ पे इकट्ठे हो गए. क्या हो गई, जोड़े में इकट्ठे हो गए, सारे पेयर बन गए. समझ गए ना क्या बन गई है, जोड़े में हो गए. एक तो इसका न्यूक्लियस और एक एंथेरिडियम का न्यूक्लियस, अपना एक एक जोड़ा बना लिया सबने. समझ गए, जोड़ा बनने के बाद में क्या होता है, मैंने यहां से जगह जगह से ऐसे फिंगर जैसे प्रोजेक्शन निकलते हैं. फिंगर जैसे क्या निकलते हैं, प्रोजेक्शन. फिंगर नुमा आकृतियां निकलती है, इनको बोलते हैं एस्कोजीनस हाइफी. एस्कोजीनस हाइफी कहलाते हैं ये, क्या कहलाते हैं, एस्कोजीनस हाइफी. स्टराइल हाइफी के बाद में हमने क्या लिखा, फोर्थ पॉइंट पे पेयरिंग होती है, पेयरिंग ऑफ न्यूक्लियस, एक प्लस एंड एक माइनस, प्लस माइनस न्यूक्लियस की पेयरिंग हो गई. ट्राइकोबाइन से क्या निकलेंगे, ट्राइकोबाइन गिव्स बर्थ टू एस्कोजीनस हाइफी. एस्कोजीनस हाइफी, बहुत सारे एस्कोजीनस हाइफी लिख लें. प्रत्येक एस्कोजीनस हाइफी में क्या चला गया, जोड़ा. क्या चला गया, जोड़ा. एस्कोजीनस हाइफी में जोड़े चले गए. अभी देखो फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, फ्यूजन अभी तक नहीं हुआ है. ये एस्कोजीनस हाइफी के जोड़े फिर इसमें वापस क्या होंगे, आपको डायग्राम ड्रॉ करते जा रहे हो ना फ्रेंड्स, बार बार हर एक स्टेप का नया डायग्राम बनाओ ताकि आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप समझ आए. अब ये क्या होगा, एस्कोजीनस हाइफी के जो जोड़े हैं ये मल्टीप्लाई होंगे, एक जोड़े से कई जोड़े हो जाएंगे.
एक जोड़े से एक जोड़े हो जाएंगे मल्टीप्लाई होकर के। ये देखो ये स्थिति कैसी हो जाएगी, इसमें से प्रत्येक जोड़े के बीच में एक हॉल बन जाएगी, तो बहुकोशिकीय हो गए और प्रत्येक जोड़ा एक एक कोशिका में आ गया, समझ गए। जैसे जोड़े की संख्या बढ़ेगी उनके बीच बीच में क्या बन जाएगी, हॉल। ये कहलाएंगे डाइकैरियन, ये कहलाएंगे डाइकैरियन। प्रत्येक कोशिका में क्या है, एक एक जोड़ा है, डाइकैरियन कहलाएगा। स्टेप्स लिखते जा रहे थे आप लोग, अब नेक्स्ट क्या होगा, या लिख दिया छठा स्टेप, मल्टीप्लीकेशन होगा या डिवीजन ऑफ डाइकैरियन, डाइकैरियन का डिवीजन एंड सेप्टा फॉर्मेशन, सेप्टा फॉर्मेशन। प्रत्येक डाइकैरियन के बीच में एक बॉल बन जाएगी, ये हो गया सिक्स्थ स्टेप। अब आप क्या होगा नेक्स्ट, सेवेंथ स्टेप में देखिए, सेवेंथ स्टेप, सबसे टॉप वाला जो सेल है, सबसे ऊपर का सेल ऐसे कर्व हो जाएगा, टॉप सेल, टॉप सेल इज कर्व, बिकम्स कर्व। सब सारे जितने भी इसमें जोड़े थे ना यहाँ पे, उतने ही क्या बन गए, ऐसे जीनस टाइप ही बनेगा, हर एक को एक एक जोड़ा चला गया, उनमें फिर न्यूक्लियस का विभाजन हुआ दोनों केंद्र जोड़ों का, और फिर विभाजन के बाद बीच बीच में क्या बन गई, जैसे टॉप का जो है सबका, सबका जो टॉप वाला है इस तरीके से टर्न हो जाएगा।